बच्चों अभी तक मैंने आपको चैप्टर 8 तक की वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बता दी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 9 की वर्ड मीनिंग। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 8 तक की वर्ड्स मीनिंग नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे चैप्टर्स की वर्ड्स मीनिंग मिल जाएगी। फिलहाल हम बात कर लेते हैं चैप्टर 9 की वर्ड्स मीनिंग के बारे में। चैप्टर 9 की चैप्टर का नाम है अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। इसमें क्या होता है, ये स्टोरी में एक साइकिल होती है जिसे ठीक करना होता है, लेकिन उस साइकिल को ठीक करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। तो ये है स्टोरी। अब देख लेते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, मरम्मत करना या फिर ठीक करना। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है कुशल या फिर विशेषज्ञ। वैकिंग, वैकिंग का मतलब होता है पीटना, पीटना। वॉबल, वॉबल का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। ट्विडलिंग, ट्विडलिंग का मतलब होता है उलटना पलटना। रिमेंट, रिमेंट का मतलब होता है शेष भाग, शेष भाग या फिर बचा हुआ भाग। लॉनेटिक, लॉनेटिक का मतलब होता है पागल व्यक्ति, पागल व्यक्ति। टॉपसी टर्वी, इसका मतलब होता है उलट पुलट, उलट पुलट। इनएक्सप्लिकेबल, इसका मतलब होता है रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण। मडल, मडल का मतलब होता है गड़बड़ी, गड़बड़ी। ग्रोवल, ग्रोवल का मतलब होता है सिर के बल या फिर पेट के बल लेटना, सिर के बल लेटना या फिर पेट के बल लेटना। ओवरहॉल, ओवरहॉल का मतलब होता है सफाई या फिर मरम्मत। स्टिफली, स्टिफली का मतलब होता है कठोरतापूर्वक, कठोरतापूर्वक। प्लेज्ड, प्लेज्ड का मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न। हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़ा। व्हील, व्हील का मतलब होता है पहिया, पहिया। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, मुसीबत। अनस्क्रूड, अनस्क्रूड का मतलब होता है बिना पेच के, बिना पेच के। शाउटेड, शाउटेड मतलब होता है चिल्लाया, चिल्लाया। क्वाइट एक्साइटेड, क्वाइट एक्साइटेड का मतलब होता है काफ़ी उत्साहित, काफ़ी उत्साहित। ग्रेवल्ड, ग्रेवल्ड का मतलब होता है बजरी, बजरी। डिस्यूट, डिस्यूट का मतलब होता है रोकना, रोकना। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, अनुभव। चीपर, चीपर का मतलब होता है सस्ती, सस्ती। प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब होता है खुदाई, खुदाई। फैसिनेट्स, फैसिनेट्स का मतलब होता है मोहक, मोहक। डीजनरेटेड, डीजनरेटेड का मतलब होता है उत्पन्न नहीं, उत्पन्न नहीं। होपफुलनेस, होपफुलनेस का मतलब होता है आशावाद, आशावाद। ग्लैड टू सी, ग्लैड टू सी का मतलब होता है देखकर खुशी होना, देखकर खुशी होना। शोर्ट स्पिरिट, शोर्ट स्पिरिट का मतलब होता है जोश दिखाना, जोश दिखाना। ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब होता है आनंद, आनंद। सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, अचानक। शार्पली, शार्पली का मतलब होता है तेजी से, तेजी से। डिसहेवल्ड, डिसहेवल्ड का मतलब होता है बिखेरा हुआ, बिखेरा हुआ। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना, खून बहना। वाइप्ड, वाइप्ड का मतलब होता है पोछना, पोछना। पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, सजा। पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है संभव, संभव। सेंट, सेंट का मतलब होता है भेज दिया, भेज दिया। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर 9 के वर्ड मीनिंग, जो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी होंगे। अंत में आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगा, अगर आपको मुझसे डायरेक्टली अगर जुड़ना है और मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे कि आपको टॉपिक से रिलेटेड चाहे इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जुड़ सकते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो डाल दूंगा, आप वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच माय ऑल वीडियोस।